मेरे दिल ने कहा, रे शिवराज भैया तो तू भी है, हूं कि नहीं मेरी बहनों भैया? अरे हूं कि नहीं भैया? है तो जोर से बताओ, हूं कि नहीं भैया? तो सगा हूं कि सौतेला? सगई हूं, देखो भैया तो सगई हूं। और जब मन ने कहा कि सगा भैया तू भी है तो तू भी तो कुछ उपहार दे, लेकिन मुझे लगा कि साल में एक बार उपहार देने से काम नहीं चलेगा। एक बार देने से काम चलेगा क्या? अरे बहनों जोर से बताओ, आज तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो मैंने सोचा हर महीना उपहार देना चाहिए। और सोचते सोचते एक दिन सवेरे 4 बजे, रात भर जगह मैं सोचता रहा, और सवेरे 4 बजे योजना बनी कि मेरी जितनी बहनें जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया वार्षिक से कम है, 2.5 लाख तक, और जिनकी 5 एकड़ से जिनके परिवार की जमीन कम है, उन सब बहनों के खाते में हर महीना 1,000, मतलब साल में 12,000 रुपया डाले जाएंगे। साल में 12,000। अब 12,000 रुपया डालने के लिए योजना बनी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। अब एक बार बहनों बताओ, योजना अच्छी है कि नहीं? ऐसे नहीं, जरा जोर से बताओ, अच्छी है। तो आप देखो योजना का फायदा कैसे लेना है, यह मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। एक तो जैसे ही योजना बनी, कई बहनें दौड़ी लोक सेवा केंद्र, अरे बोले मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाओ, कोई कहने लगी आय प्रमाण पत्र बनवाओ, बिना उसके पैसा खाते में नहीं आएगा। तो सुनो, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, ना तो इसमें आय प्रमाण पत्र चाहिए और ना इसमें मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? जोर से बताओ, आ रही है? इसमें मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, आय प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। तो बहने कहेंगे कि वो लिखा तो है 2.5 लाख से कम। तो मेरी बहनों, तुम्हारा भैया और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम पे विश्वास करती है। आवेदन आएगा, उसमें कालम लिखा रहेगा कि आपकी आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है, तो वो जो खाना रहेगा उसमें टिक लगा दो कि कम है। तुमने टिक लगा दिया और भैया ने मान लिया। कहा बहनों को भटकाऊं कि प्रमाण पत्र लाओ, कि फलाना लाओ, कि ढिमका लाओ, काय के लिए परेशान करे? स्वघोषित आए, और मुझे विश्वास है बहनें बेईमानी नहीं करेंगी। बोलो सही बात है कि नहीं? और इसलिए कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अब गांव में पंचे गांव में सरपंच गांव में बुजुर्ग गांव में बने गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं, और इसलिए वहीं रहते हैं, गांव वाले जानते हैं, तो जरूरत नहीं है कि कोई दूसरा प्रमाण पत्र बनवा के लाए। और इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई दलाल के चक्कर में मत आना। नहीं, बड़े कलाकार प्राणी है, जैसे योजना बनी लाओ 1,000 रुपया मुझे दे दो, मैं बनवा देता हूं। तो अगर ऐसी बेईमानी कोई करे तो 181 नंबर पर फोन कर देना, पकड़वा के सीधे जेल भिजवाऊंगा, जेल। और कलेक्टर यहां पे हैं भाई, देखो नेतृत्व हमारा बैठा है, जनप्रतिनिधि बैठे, इनकी देखरेख में होगा सब, कहीं कोई बेईमानी ना कर जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो नौकरी करने लायक नहीं बचेगा। कोई कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं। 25 मार्च, आज है 12 मार्च, आज से 13 दिन बाद आवेदन भरना शुरू होंगे। और आवेदन भी सुन लो, कलेक्टर और पूरा प्रशासन यहां पे है, हर गांव में शिविर लगेंगे। बोलो हर गांव में लगना चाहिए कि नहीं? दूसरे गांव तो नहीं जाना चाहिए? नहीं, तो हर गांव में शिविर लगेगा। हर गांव में अपने कर्मचारियों ने अभी बहुत अच्छा काम किया विकास यात्रा में, सीएम जन सेवा अभियान में, वहीं शिविर लगेगा, गांव में शिविर लगेगा, और हमारे जनप्रतिनिधि हमारे कार्यकर्ता सब वहां तैनात रहेंगे, सब तैनात रहेंगे। आवेदन आपको मिलेगा, पर एक दिन में सब नहीं भरना है। ये मत सोचना आज ही भर लो तो लाइन लगे और धक्का मुक्की हो रही, परेशान हो रहे। अरे एक दिन में 30-35 भरेंगे, और जब तक पूरे गांव में पूरे फार्म नहीं भर जाएंगे तब तक शिविर लगता रहेगा। अपना तो सरकार है और अपना मुख्यमंत्री, काई की परेशानी, कोई भागन थोड़ी पड़ी कि आज ही भर लो रे। जब तक नहीं होंगे पूरे तब तक भरते रहेंगे, ताकि कोई को परेशानी ना हो। बात समझ में आ रही ना मेरी? और इसलिए शिविर ऐसे लगेंगे कि जब तक उस गांव के पूरे, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आवेदन भरने के बाद गट्ठा बांध के आवेदन कहीं नहीं ले जाना। अधिकारियों को भी हमने कहा है भाई कंप्यूटर रखो, बहन का वह फोटो खींचेगा, वो भी मैं ही व्यवस्था करा रहा हूं फ्री में, कहीं फोटो खिंचवाने मत चले जाना, नहीं फालतू में 150 रुपया और खर्चा कर लो, कोई जरूरत नहीं। भाई फोटो खिंचेगा और भाई आपका आवेदन कंप्यूटर पे चढ़ा दिया जाएगा तुरंत, दान महाकल्याण। नहीं तो पता चले कि आवेदन ही कहीं के गुम गए तो चक्कर ही काय को छोड़ो, भाई के भाई कंप्यूटर में भरवा दो ताकि पूरी विवरण फीड हो जाए। ये आवेदन 30 अप्रैल तक भरवाए जाएंगे, 30 अप्रैल के बाद मई में इनकी छानबीन एक बार हो जाएगी। मान लो कोई की जमीन 5 एकड़ से ज्यादा है, मान लो कोई ट्रैक्टर वाला, 4 पहिया वाहन वाला बड़ा आदमी, कोई उसका नाम आया तो उतनी स्क्रूटनी करेंगे ताकि पात्र जो बहनें हैं उनको लाभ मिले। मई में यह जांच पूरी हो जाएगी और जून के महीना में खाते में 1,000 रुपया हर महीना आना शुरू हो जाएगा। पहली राशि आएगी 10 जून के दिन, कब आएगी?
अरे कब आएगी? 10 जून के दिन पहली बार राशि डलेगी, फिर हर महीना डलती रहेगी। और सुनो मेरी बहनों, ये 12,000 रुपया तुम्हारी घर की हालत बदल देंगे। कैसे? कि 12,000 तो तुम्हें मिलेंगे, लेकिन अगर तुम दो बहुएं घर में हो, जिठानी और देवरानी, तो एक को थोड़ी मिलेंगे, फिर दो ही को मिलेंगे, तो 12,000 मिला के कितने हो जाएंगे? अरे बता जरा, हिसाब लगाओ, 24,000। और अगर किसान परिवार है, थोड़ी बहुत खेती घर पे है, तो अपने प्रधानमंत्री जी और नरेंद्र सिंह जी देते हैं 6,000 रुपया, 4,000 मैं खाते में डलवाता हूं, तो हो जाते हैं 10,000, तो 24 और 10 कितने हो जाएंगे? अरे जोर से बोलो। और अगर घर में बूढ़ी सास भी है और उनको पेंशन मिल रही है, तो वो भी बढ़ा के 1,000 रुपया कर दी जाएगी। अब सास बहू के भी बराबर होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो, होने चाहिए। तो अब बताओ कितने हो गए? अरे कितने हो गए? 44,000 हो गए कि नहीं? तो बताओ घर की हालत बदल जाएगी कि नहीं? देखो कैसे बदलेगी, जब बहू के खाते में हर महीना 1,000 रुपया आएंगे, तो सासू जी भी कहेंगी, अरे 1,000 रुपया महीना तो आ रहा है, जरा बहू की रोटी में भी खींच उपड़ के दो रे भैया, बहू को भी खींच उपड़ी रोटी खानी। और सास जी के भी खाते में पैसा आने लगे, तो बहू कहेगी, सोने के पहले जरा माता जी के पांव तो दबा दूं। तो सास बहू का प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अरे बढ़ जाएगा कि नहीं? और एक सबसे बड़ी बात ये कि बहनें गलत काम में पैसा खर्चा नहीं करेंगी। बहन के भैया तो कह नहीं सकते कोई गड़बड़ सड़बड़ कर जाए। वैसे एक बात और सुनना बहनों, 1 अप्रैल से जितने दारू पीने के अहाते मध्य प्रदेश में थे, सब बंद कर दिए जाएंगे दारू के अहाते। ठीक है? अरे जोर से बताओ, ठीक है? दारू के अहाते भी बंद, चक्कर खत्म। और नहीं तो पीटे निकले तो डोलते डालते गिरते पड़ते जा रहे हैं घर और घर, पता चला कि पत्नी से लड़ रहे हैं, बच्चों को ही मार रहे हैं। तो भैया ये दारू फारू अब आहत महाते में नहीं चलेगी, साफ बात कर रहा है मामा, जिनको पीना है घर पर लेके जाओ। अब घर बेटा भी है और बेटी भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं। और पत्नियों से मैं बहनों से कहूंगा, तुम जरा लटमट तैयार रखना। देखो ऐसी बुराइयों पे अगर अंकुश लगाना है तो तरीका निकालने पड़ेंगे, इसलिए आहते भी बंद। अब भाई तो गड़बड़ कर सकते थे, उसकी गड़बड़ की संभावना भी कम हो गई, लेकिन बहनों अगर आपके खाते में पैसा आएगा, तो आप बच्चों को दूध पिलाएंगी, दूध खरीदेंगी, सब्जी खरीदेंगी, दाल खरीदेंगी, किताबें खरीदेंगी, जरूरत की चीजें बच्चों को देंगी, उनको कोई कमी नहीं आने देंगी। सही बात है? और एक बात और, अभी तो पतिदेव डांट देते थे कि नहीं है पैसा कहां से लाऊं, कभी पतिदेव का मोह उतरा, वो उदास हुए और तुमने पूछ लिया कि बात आज क्या है, तो कहें क्या करूं आज पैसे की जरूरत थी, तो बहन कहेगी चिंता मत करो गुड्डू के पापा चले जाओ मेरे पास रखे हैं। तो बहनों का स्वाभिमान भी बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं? अरे बढ़ जाएगा कि नहीं? पैसा अगर पास में है तो इज्जत भी बढ़ जाती है, और इसलिए यह योजना बहनों की जिंदगी बदलने की योजना है, बेटी और बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने की योजना है। इस योजना के लिए मैं अपनी सारी बहनों को बधाई देता हूं। एक ने अनेकों कल्याणकारी योजना काय के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है, गरीब कल्याण हमारा संकल्प, लोगों की जिंदगी बदलना, उनकी जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता लाना, यह हमारा संकल्प है बहनों और भाइयों, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और लगातार एक तरफ विकास के काम, दूसरी तरफ जनता के कल्याण के काम। अब देखो मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, और मेडिकल कॉलेज भी श्योपुर में, नरेंद्र सिंह जी बता रहे थे बच्चे यहां पढ़ेंगे, श्योपुर जिले के बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे। और एक बात और की है, कांग्रेस ने एक और गड़बड़ कर दी थी कि मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में होगी, अंग्रेजी में। अब बताओ श्योपुर जिले के गांव में कोई अंग्रेजी जानता है क्या भैया? अरे कोई जानता है क्या? अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, मर गए, कई बच्चे बेचारे एडमिशन लेके भाग लिए कि अंग्रेजी में पढ़ाई समझ में नहीं आती। तो कांग्रेस ने जो पाप किया था अंग्रेजी का, सुनो श्योपुर वालों, मोदी जी के मार्गदर्शन में उसको हमने खत्म कर दिया। अब मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में भी होगी, मध्यप्रदेश की धरती पर हिंदी में, ताकि हमारे बेटा बेटी, गरीब के बेटा बेटी, धनु पन्ना कल्लू मन्ना, इनके बेटा बेटी भी तो डॉक्टरी पढ़ ले रे, केवल बड़े बड़ों को बेटा बेटी काय को। ये जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। एक नहीं कितने काम केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, गरीब का कल्याण मतलब रोटी कपड़ा मकान, मुझे कहते हुए गर्व है 17,000 नरेंद्र सिंह जी बैठे एक साथ, हमारे गरीब सहरिया भाई बहनों के आवास स्वीकृत हुए थे, 11,000 दूसरे हुए थे, वो मकान बन रहे हैं, वो ठीक से बने, उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्रशासन लगातार देख कर रहे। और इस बार फिर 8,000 करोड़ रुपया गरीबों के मकान बनाने के लिए बजट में फिर रखे हैं, 8,000 करोड़, अब फिर मकान आने वाले हैं। जब तक सबको छत नहीं मिल जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चैन से नहीं बैठेगी। बच्चों को रोजगार मिले, इसे 1 लाख
24,000 सरकारी भर्तियां निकली है जिनका भर्ती का काम जारी है। 1,00,000 बच्चों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लोन देके जिसकी गारंटी भी मामा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी, उनका काम धंधा चालू करवाएंगे। और एक योजना और मेरे बच्चों, इसी बजट में हमने अनाउंस की है, 1,00,000 बच्चों को काम सीखने भेजेंगे अलग अलग इंस्टीट्यूट में, अलग अलग कारखानों में, और काम सीखने के साथ साथ एक बच्चे को 1,00,000 रुपया एक साल में दिया जाएगा ताकि सीखे भी और कमाए भी। ये गरीबों की जिंदगी बदलना, बच्चों की जिंदगी बदलना, माताओं बहनों की जिंदगी बदलना, किसानों की जिंदगी बदलना। मेरे किसान भाइयों, कर्ज माफी की झूठी घोषणा करके कमलनाथ जी ने डिफॉल्टर करवा दिया, कहीं ने अपने पैसा नहीं भरे। किसान भाइयों, उसके कारण ब्याज का बोझ चढ़ गया है। इस बजट में हमने इंतजाम कर दिया है, डिफॉल्टर होने के कारण जो कर्जा तुम्हारे सर पे चढ़ गया है उसका पूरा ब्याज जितना है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी भरवाएगी ताकि फिर से 0% ब्याज पे कर्जा आपको मिल जाए। एक नहीं किसान कल्याण की कई योजनाएं, लेकिन असल में जिंदगी बदलती है सिंचाई की योजना। ये मुंजरी डैम नरेंद्र सिंह जी ने पूरी विस्तार से आपको समझाया है। माइक्रो इरिगेशन की योजना का आज शुभारंभ हुआ है, और अगर कोई गांव रह गए हैं और जोड़े जा सकते हैं तो सर्वे करा के, आपने 6 गांव की बात बताई है तो 6 गांव का भी सर्वे करा के हम, अगर तकनीकी दृष्टि से साथ होगा तो वो भी जोड़ने का हम काम करेंगे। सिंचाई के लिए और पीने के पानी के लिए पानी की कमी ना रहे, और इसलिए आदरणीय सिंधिया जी ने भी मुझे यहां कहा है, सिंधिया जी ने भी कहा है, तोमर जी ने भी कहा है, हमारे सिंचाई मंत्री भी कह रहे थे, और सेवपुर के मेरे किसान बहनों और भाइयों, हमारी कूनो नदी पर 6 जगह डैम बना के और 4 जिलों में हम कैसे सिंचाई की पानी की व्यवस्था करें, उसके सर्वे के निर्देश तत्काल में दूंगा उस योजना का, ताकि सर्वे करके तकनीकी साध्यता के आधार पर फिर उस काम को हम आगे बढ़ाएं। देखो मेरे बहनों और भाइयों, ये रोने वाली सरकार नहीं है, ये कहने वाली नहीं है कि पैसे ही नहीं है, हमारे पास पैसे की किसानों के लिए कोई कमी नहीं है। तो इस योजना को भी श्रीमंत माधवराव सिंधिया बहुदेशी सिंचाई योजना, इसको भी हम पूरे सर्वे करके और अंजाम तक ले जाएंगे। एक बार